मादक पदार्थ गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर दोनों आरोपियों को न्यायालय सांजापुर पेश किया गया। कानड़, मुखबिर की सूचना पर एक व्यक्ति गांजा लेकर ईदगाह के पास से शिव पहाड़ी कानड़ पर कहीं जाने के लिए खड़ा है। मौके पर पुलिस फोर्स रवाना होकर शिव पहाड़ी कानड़ पहुंचे, जहां पर एक व्यक्ति गांजा लेकर खड़ा था, जो पुलिस को देखकर भागने लगा, जिससे घेराबंदी कर पकड़ा। उक्त व्यक्ति से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम राधेश्याम, पिता गंगाराम, जाति बलाई निवासी नान्या खेड़ी का होना बताया, जिसकी तलाशी लेते हाथ में रखे झोले में 800 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा निकला। जैसे गिरफ्तार कर गांजा लाने के संबंध में पूछते अपने गांव के पवन पिता माधु जाति से लाना बताया आरोपी पवन को गिरफ्तार किया गया। बाद गिरफ्तार शुदा दोनों आरोपियों को विशेष न्यायालय सांजापुर पेश किया गया, जहां से माननीय न्यायालय द्वारा जेल वारंट बनाया गया। आरोपियों को जिला जेल सांजापुर भेजा गया। थाना प्रभारी एम परिहार के मार्गदर्शन में गठित टीम द्वारा अवैध मादक पदार्थ गांजा एवं आरोपी को पकड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका उन्हीं दिलीप कटारा प्रधान आरक्षक, मुकेश पवार प्रधान आरक्षक, विवेक सिंह चौहान आरक्षक, आशीष शुक्ला, महेंद्र सिंह राजावत, महेश पचलानिया, आर लखन जामलिया, सैनिक कमल गुर्जर, सैनिक आशीष सरिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही। क्या मामला है एनडीपीएस का, जो आपने गांजे का प्रकरण बनाया है, इसमें कौन आरोपी और कहां से पकड़ा गया है मामला? ये हमको 19 तारीख की बात है, 19 छः को गश्त पे थे हम लोग, गश्त पे थे हमें जरिए मुखबिर सूचना मिली कि एक व्यक्ति ईदगाह रोड पर गांजा लिए खड़ा है, किसी को देने के चक्कर में था। उसका नाम था राधेश्याम गंगाराम बलाई, 27 साल का ही नैनिया खेड़ी का। इसके हाथ में मुखबिर ने बताया था कि इसके हाथ में एक झोला है हरे कलर का, उसमें गांजा है। तो हम लोग मई फोर्स के पहुँचे वहाँ और जाके उसको पकड़ा, उससे नाम पता पूछा हमने, तो पहले उसने भागने की कोशिश करी, उसे घेराबंदी कर पकड़ा। उसने अपना नाम राधेश्याम गंगाराम बलाई बताया, उसके झोले के बारे में उससे पूछताछ करी हमने कि भाई इसमें क्या है, तो उसमें गांजा मिला हमको। हमने सुन कर देखा गांजा था, फिर उससे पूछा भाई तू कहाँ से लेकर आया, उसे गिरफ्तार किया, थाने लाया उसको, उससे फिर पूछताछ करा। और तो उसने उससे पूछा कि भाई तू गांजा कहाँ से लाया, तो उसने बताया कि पवन पिता माधव जी दर्जी है, ये भी नैनिया खेड़ी का है, उसने उससे लिया है, उससे खरीदा था उसने गांजे। करीबन हमने उसको वेट कराया था तो 800 ग्राम निकला गांजा, और पवन से लेना बताया। इसमें दो आरोपी गिरफ्तार किए हैं, इसमें 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की और अपराध पंजीकृत किया है। इसमें अहम भूमिका की भूमिका रही एसआई कटारा की रही, आशीष शुक्ला की रही और महेश पचलानिया की रही, और भी स्टाफ था हमारा साथ में गया था, विवेक, और पूरा दल बना हुआ था हमारा।